गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम आज तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था सबक नंबर 6, यीशु मसीह बियाबान में। यहाँ पे एक तस्वीर है, आप देख रहे हैं, ये रूल कुदस बना हुआ है। यहाँ पे लिखा नॉलेज, नॉलेज का मतलब है सलाह करना, किसी की हदायत में चलना। जिस तरह खुदा यीशु मसीह इस सबक में हमने पढ़ा है कि वो बियाबान में गए थे रूह कुदस के ज़रिए, रूह कुदस उन्हें ले गया था। तो हमने भी आज इसमें सीखा है कि किस तरह हमने अपनी ज़िंदगी में रूह कुदस के ज़रिए काम करना है। आए हम देखिए अभी आज की इस की बुक एक्सरसाइज करते हैं, उसको हल करते हैं हम भी रूह कुदस की मदद के ज़रिए। यहाँ पे पहला सवाल लिखा है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपने सबक को अच्छे से रीड करना है, ये हल भी किया गया है, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छे से याद करना है। इधर एक सवाल लिखा है, यूहन्ना अस्तबागी ने किससे कहा था? ये अल्फाज लिखे हुए हैं, ये है किसने किससे क्या बात की थी, एक एक जुमले में लिखना है। और इधर जीम पे मौजूल अल्फाज लिख कर खाली जगह पुर करें। आपने सबक देखा, इसको पढ़ना है अच्छे से और इस खाली जगह को अच्छे से याद करना है।